हेलो, नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस की पहचान होती है वाक्य के अंत में, रहा था, रही थी, रहे थे आदि। ओके, और ये इस बात का पता चलता है कि जो कार्य होता है वो पास्ट में यानी भूतकाल में चल रहा था। ठीक है, तो इस टाइप का जो पहचान होता है, इस टाइप के सेंटेंसेस की जो आइडेंटिटी होती है वो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनता है इस टाइप के सेंटेंसेस का? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वाज या फिर वर का प्रयोग करते हैं, आफ्टर दैट वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स आते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो वॉज है, वॉज का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? आई के साथ पे वॉज का प्रयोग करते हैं, ही शी इट के साथ पे और सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ पे वॉज का प्रयोग करते हैं। ओके, वर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? यू पी दे और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह एक किताब पढ़ रही थी। अब इस टेंस से ये पता चल रहा है कि जो कार्य है वो पास्ट में जारी था, वो किताब पढ़ रही थी। ओके, पास्ट टाइम की बात है कि वो उस टाइम पे वो पढ़ रही थी। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में रहा था, रही थी आते, इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद में लगाते हैं वाज या फिर वर्ब और वर्ब में फिर लगाते हैं आईएनजी। ओके, तो कौन किताब पढ़ रहा था? शी पढ़ रही थी। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, शी के लिए हम वाज लगाएंगे क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है। शी वॉज और फिर आता है वर्ब, वर्ब में लगाएंगे आई एन जी। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर वॉज हो गया, अब वर्ब में आई एन जी। ओके, तो शी वॉज रीडिंग, अब क्या पढ़ रही थी? किताब पढ़ रही थी, अ बुक। ये हमारा सेंटेंस बन गया, शी वॉज रीडिंग अ बुक। अगला सेंटेंस देखेंगे, मैं कमरे में टीवी देख रहा था। कौन देख रहा था? ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी कि कार्य किसके द्वारा हो रहा था। ओके, तो सब्जेक्ट जो है वो मैं है, जिसकी इंग्लिश आई होती है। सबसे पहले हमने आई लिख दिया, आई के साथ में वॉच का यूज करते हैं। ओके, वॉच मीन्स होता है देखना, आई वॉज वॉचिंग, वर्ब में आई एन जी लगाएंगे, आई वॉज वॉचिंग, मैं क्या देख रहा था? टीवी, और ये ऑब्जेक्ट हो गया और अदर वर्ड लगा देंगे, इन द रूम, आई वॉज वॉचिंग टीवी इन द रूम। नेक्स्ट देखेंगे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लगा होगा, रहा था, रही थी भी आएगा। ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट आता है, बाद में वाज वर और उसके बाद में नॉट का यूज करते हैं, वर्ब में एनजी लगाते हैं और लगाते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, वह एक किताब नहीं पढ़ रही थी। वाक्य में रहा था, रही थी के साथ में आपको नहीं मिलता है। वह एक किताब नहीं पढ़ रही थी। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर में से कोई सा एक लगाएंगे, तो शी के लिए क्या लगेगा? वाज, या फिर शी के लिए लगेगा वॉच, तो शी वॉज। अब नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे और वर्ब में लगाएंगे आई एन जी, शी वॉज रीडिंग, शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। मैं अपने कमरे में टीवी नहीं देख रहा था। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट आएगा, मैं अपने कमरे में टीवी नहीं देख रहा था। कौन नहीं देख रहा था? मैं नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट वॉचिंग, मैं नहीं देख रहा था। क्या नहीं देख रहा था? टीवी नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी इन द रूम। ओके, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो फिर हम क्या करते हैं? उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर वॉज वर का यूज पहले कर देते हैं। सेंटेंस की शुरुआत होती है वॉज वर से और उसके बाद में आती है हमारे सब्जेक्ट और फिर वर्ब में लगता है आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये जो सेंटेंसेस हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप के सेंटेंसेस हैं, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश हम नहीं लिखते। हेल्पिंग वर्ब है, क्या से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में हम क्या इंग्लिश नहीं लिखते हैं उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। ठीक है, वॉज सबसे पहले, देखिए वॉज या फिर वर, अब वह है तो वह के लिए हम वॉज ही लगाएंगे, वॉज शी और फिर वर्ब में आई एन जी, वॉज शी रीडिंग अ बुक एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्या वह एक किताब पढ़ रही थी? वॉज शी रीडिंग अ बुक। क्या मैं कमरे में टीवी देख रहा था?
वॉज आई वॉचिंग टीवी इन द रूम। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है और वो डब्ल्यू एस टाइप का होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हम किससे करते हैं? हम करते हैं क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन वर्ड्स वही हैं, क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट वेयर व्हाई। ओके, इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम वाज वर्ब का यूज करते हैं और आफ्टर दैट लगाते हैं सब्जेक्ट एंड देन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, ये तो था स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब वह क्या पढ़ रही थी? ठीक है, ये जो इंक्वायरी हो रही है वो ये नहीं पूछ रहा था कि बताओ पढ़ रही थी कि नहीं पढ़ रही थी, यस नो टाइप का नहीं है, वो क्या पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट इंक्वायरी यहाँ पर किया जा रहा है। तो फिर क्या वाक्य के बीच में आया, तो सबसे पहले क्या आगे इंग्लिश लिखी जाएगी दोस्तों। अगर ये क्या जो पहले आ जाता ना यहाँ, क्या वह पढ़ रही थी, तब तो वो हो जाता यस नो टाइप का, लेकिन वो क्या पढ़ रही थी, दोनों में अंतर। क्या वो पढ़ रही थी, इसका मतलब आप बताओगे यस पढ़ रही थी या नो नहीं पढ़ रही थी, लेकिन वह क्या पढ़ रही थी, अब यस नो में नहीं दे सकते आंसर, अब हम लोगों को बताना पड़ेगा कि वो पढ़ क्या रही थी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं व्हाट वाज, और फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब में आईएनजी। व्हाट वाज शी रीडिंग, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की ही इंक्वायरी व्हाट कर रहा है। कमरे में टीवी कौन देख रहा था, कमरे में टीवी कौन देख रहा था, जो देख रहा है उसकी इंक्वायरी कर रहा है, यानी सब्जेक्ट की इंक्वायरी कर रहा है, सब्जेक्ट की इंक्वायरी हु वर्ड करता है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट की इंक्वायरी तो कर रहा है, हु वॉज वॉचिंग टीवी, टीवी कौन देख रहा था इन द रूम, कमरे में। ओके, तो आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।